सो हे व्हाट इज अप गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आपके घर में जो वाईफाई इंस्टॉल किया गया होता है तो आप उसका पासवर्ड एंड यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास है ये वाला वाईफाई जो कि आप अभी यहां पे देख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं यही कि आप कैसे कर सकते हैं चेंज इनका पासवर्ड और यूजर नेम। तो गाइस बढ़ते हैं अमेजिंग इंटरेस्टिंग से वीडियो की तरफ, तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमें यहाँ पे गूगल में सर्च करना होगा 192.168.1.1। इसको सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ आपको जो यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो कि एडमिन है एंड पासवर्ड वो कि एडमिन है, आपको इन दोनों को यहाँ पे फिल कर देना है। एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो हमारे जो रूटर है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड आपको बता दूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बंदे अभी मेरे इस रूटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने वाला है। गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो दिखने वाली है कि कितने बंदे मेरे साथ इस रूटर के साथ अभी टाइम पे कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे आप वो सारा डिटेल्स जो है उनकी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इनको यहाँ से डिलीट भी करना होगा तो आप इनको इजीली डिलीट यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दूँ यहाँ पे आप बहुत सारे डिटेल्स और भी जान सकते हो। एंड यहाँ पे मेन बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरे पास कितने लाइव बंदे जो है इस रूटर पे कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। तो आप इनका जो डेट वेट है यहाँ पे आप सब कुछ डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके लिए नेसेसरी होने वाली है। तो गाइस बढ़ते हैं अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अपना जो वाईफाई का पासवर्ड एंड यूज़र नेम है उसको चेंज कैसे करें। तो हमें यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस आपको बता दूँ यहाँ पे दो बैंड सेट है 2.4 GHz का, तो हम अभी 2.4 GHz में सेटिंग्स करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट नेम है एयरटेल एंड डॉट कुछ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको अपना जो मतलब अपने हिसाब से कोई भी नेम दे दूंगा। आप भी अपने हिसाब से अपने फाइबर को जो आपका फेवरेट नेम हो आप उसको इजीली दे सकते हो वहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है नेम हो चुका है डन। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे पासवर्ड पे जाके इसका जो पासवर्ड वो जो पुराना वाला पासवर्ड है वो है AR6411162। तो इसको भी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने हिसाब से अपना जो मतलब पासवर्ड है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से पासवर्ड रख दीजिएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर देने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे एक बारी तो एंड गाइस यहाँ पे अभी हम इसी तरीके से हम यहाँ पे वायरलेस 5 GHz पे भी सेम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड SSID का नेम यहाँ पे आपको चेंज कर देना होगा जिस तरह से हमने 4G वाले केस में किया था। तो यहाँ पे मैं इस वाले रैंडम नाम को भी नए नाम के साथ रिप्लेस कर देने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूँ एयरटेल फाइबर 5G जो कि है अभी लिखा हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड है AR6411652 तो इसको भी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो इसको किस तरीके से चेंज करने वाला, आप भी अपने हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। एंड रखने के बाद आपको सिंपली जो है इन्हें सेव कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मैं अभी पासवर्ड रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख लें पासवर्ड रखने देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो विंडो है यहाँ पे हमारे होम पे जो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको बता दो अभी हम दूसरा भी पासवर्ड और यूज़र नेम जो हमारा डिफॉल्ट रहता है एडमिन करके अभी हम उसको भी यहाँ पे चेंज कर देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मेंटेनेंस का यहाँ पे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो एडमिन वाला पासवर्ड रहता है लॉगिन के टाइम पे आपको उसको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे आपको रख देना है जो कि आपको वहाँ पे नया रखना है। यहाँ पे आपको दो बार ही जो है उसको टाइप कर देना होगा। एंड उसी के साथ साथ आपको बता दूँ यहाँ पे आप थोड़ा सा सिमिलर सा पासवर्ड रखें जिसकी वजह से आपको ये भूल ना जाए। एंड यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू एयरटेल फाइबर, तो यहाँ पे रखने के बाद आपको सेव कर देना है। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आप योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। तो गाइस यहाँ पे ये जो हमारा पासवर्ड है ये चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लॉग आउट कर देंगे। सो आई होप गाइस कि आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट्स में नीचे बता देना, तो मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।